आज हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने हैदराबाद वापदा पैगाम यूनियन की जानिब से मरकजी सेक्रेटरी मोहम्मद साजन पावर और दीगर अहदेदारों ने अलामत भूख हड़ताल और एहतजाज किया। देखते हैं अली रजा सुमरो की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद वापदा पैगाम यूनियन की जानिब से मरकजी सेक्रेटरी मोहम्मद साजन पावर और सूबाई कायदीन की क्यादत में मुलाजिम के असर दराज से शिकार मसाइल और उनके हल के लिए हैदराबाद प्रेस क्लब भूख हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अगर मुतालबा तस्लीम न किए गए तो कंपनी वाइज एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, मुलाजमीन की हक तकलीफों का इजाफा फिलफोर किया जाए। ऐसा ऐसा उन्होंने हैदराबाद प्रेस क्लब पर भूख हड़ताल कैंप में किया जिसमें तमाम अहदेदारों ने शिरकत की। मेरी यासर टालपुर ज्वाइंट सेक्रेटरी, नेगमा मुखलीजी ज्वाइंट सेक्रेटरी, गुलाम कादर पर और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की और नारेबाजी की। अगर हमारे मुतालबात पूरे न किए गए तो एहतजाजी दायरा वसी किया जाएगा। हैदराबाद प्रेस क्लब, अली रसमरो, सन न्यूज़ हैदराबाद। आज 20 फरवरी 2020 को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन की जानिब से सिविक सेंटर के बाहर शदीद मुजाहरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई। रिपोर्ट अली रजा सुमरो के मुताबिक और ऑफिस के तीसरे दिन भी तालाबंदी की गई। इस मौका पर मुलाजमीन ने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद और चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील की है कि वो मुलाजमीन के जायज मुतालबात के उसूल के लिए अपना किरदार अदा करें। मेरी अपील है मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब से कि वो हैदराबाद के रीजन के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मसले को उठाएं और हमारे जो काफ़ी अरसे से हैदराबाद कोर्ट में मामला भी चल रहे हैं और जिसके ऊपर कोई अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ, तो सिर्फ तारीख मिलती है, कोई फैसला नहीं आता है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी रोक दिए गए दौरान केसेस में कि इनको 17 सालों से काम कर रहा हूँ और हमारी अपील है चीफ जस्टिस साहब से, चीफ जस्टिस गुलजार साहब से कि हमारे मसलों को देखें। हमारी तारीखों पे तारीखें दी जा रही हैं, हाई कोर्ट में भी हमारा केस लगा पड़ा है, कोई केस सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम जब जाते हैं हमें तारीख मिल जाती है, हमारा केस 4 सालों से चल रहा है, उस केस चलते हुए भी हमारे रिन्यूअल रोक दिए गए हैं और एक नोटिफिकेशन निकला था जो कि सेक्रेटरी बल्दियात ने निकाला था और कहा गया था कि अपना हम एक महीने में रिपोर्ट पेश करेंगे जिसमें रेगुलर कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमों को, लेकिन उस रिपोर्ट को भी 4 महीने हो गए हैं जो कि कंटेंट ऑफ कोर्ट है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो।